तो गाइस वी आर एट जल महल आपके सामने, अभी लेके चलता हूँ वहाँ पे आपको। तो सबसे पहले आए हम जल महल पे। तो ये रहा जल महल। आगे से एक्चुअली धूप है तो उस वजह से, सनलाइट की वजह से शायद आपको अच्छे से नहीं दिखेगा। तो गाइस होटल से निकले हुए टाइम तो हो चुका है हमें काफ़ी, एक या दो घंटे। तो अभी यहाँ आमिर के किले के सामने यहाँ पे एक्चुअली स्कूटी पार्क करी है अभी, और जो फ्रेंड्स हैं वो आगे निकल चुके हैं थोड़ा सा, कोई दूसरे किले पे हैं वो, तो मैं और अभी ज्ञान साथ में हैं। तो अभी यहाँ पे सोचा कि थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ खाया नहीं था सुबह और सिर्फ चाय पी करके आए थे। तो अभी खाते हैं इसको और फिर इसके बाद एक्सप्लोर करते हैं, चलते हैं इधर की साइड में। जल महल गए थे वहाँ कुछ ज़्यादा अच्छे कैप्शन तो हुए नहीं, क्योंकि एक्चुअली सामने से सनलाइट थी जिस साइड से जल महल को हम कैप्चर कर सकते थे। बाकी जितना हम कर पाए उतना हमने किया, और होप सो कि इसको काफ़ी अच्छे से कवर अप कर पाए हम लोग। तो एनर्जी तो काफ़ी कम है समोसा विद विद रेड बुल। एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है बॉडी में, तो इस वजह से रेड बुल पियेंगे, एनर्जी लेंगे, फिर और चलेंगे और घूमेंगे, फिर दोबारा और पियेंगे। तो चलो एक बारी खाते हैं, आप लोग भी खाओ कुछ, और उसके बाद फिर चलते हैं आमिर के किले पर। सामने ही आमिर का किला वैसे देख सकते हैं। तो सामने हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, और बस इसको खाने के बाद फिनिश करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। नाउ वी आर एट आमिर फोर्ट। तो वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स
काफ़ी वैसे ऊंचा है यार, इधर से व्यू देखते हैं, काफ़ी अच्छा आएगा। अभी स्टार्टिंग है यार वैसे नीचे से, तो ये काफ़ी ऊपर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पैरों की वाट लगने वाली है। क्या सा लग रहा है ज्ञान भाई? अभी आगे चलेंगे तो पता लगेगा, पैरों की लगने वाली है वाट। अरे बाप रे, बहुत ऊंचा है ये। काफ़ी जल्दी हम इधर आ गए, बहुत ज़्यादा। नीचे देखें एक बारी कितना, काफ़ी कवर अप किया हमने वैसे। अभी तो वहाँ जाना है भाई ऊपर। एक्चुअली अभी तो जा रहे हैं यार, ये तो बड़े बड़े हाथी हैं अभी तो यहाँ पर, तो लेट्स सी वेयर शुड वी गो फर्स्ट। इधर इधर चलते हैं। ओके सो अभी एंट्री हुई है वैसे यहाँ पे। काफ़ी बड़ा, एक बार पीछे का व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। तो चलो चलते हैं एक बार आगे की तरफ और ऊपर पैरों की वाट लगाने। जिम में 3 दिनों से कार्डियो नहीं करी थी, वो हो रही है पूरी। सारा रेडबुल यहीं पे निकलेगा अब। समोसे भी निकलेंगे सारे यार। एक्चुअली ना चढ़ाई बहुत अजीब है ये, तो एक्चुअली वो थॉट अबाउट दैट कि अगर व्हीकल से आ सकते थे तो पक्का व्हीकल से आता, पैदल तो बिल्कुल नहीं आता। देखो जी ज्ञान, अभी तो बहुत जाने ज्ञान में। ज्ञान जी अभी तो बहुत जाने आप में, जान तो है पर कब निकल जाएगी कुछ, लेकिन ये सीढ़ियाँ जान छोड़ने नहीं दे रही। हाँ ऊपर से ये धूप पता नहीं चलेगा। अभी ऊपर पहुँचे हैं थोड़ा, तो ज्ञान जी गए हैं थोड़ा प्रसाद लेने नीचे। ऊपर का व्यू दिखा देता हूँ मैं, अभी इस साइड जाना है हमें पीछे, और बाकी हमने डिस्टेंस काफ़ी कवर किया है, मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से। पसीना पसीना हो गया, पसीना पसीना अभी तो और होगा, पसीना पसीना। ओके ओके तो हम पहुंच गए जस्ट। ये क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो अभी अंदर एंटर हुए हैं। तो यहाँ पे इतनी कुछ फंक्शन चल रहा है मेरे ख्याल से, कुछ ऐसे ही, मतलब ज़्यादा देर खड़ा तो होने देर नहीं रहे। एक बार ही आगे की तरफ चलते हैं। ओके बैक कैमरा ऑन कर देता हूँ। फिर से चढ़ाई। ओके ओके सो
ओके सो पुलिस वो इंटरप्ट अस एंड ही टोल्ड अस कि इसके लिए टिकट चाहिए. वी आर गोइंग देयर टू कलेक्ट टिकट. हमें नहीं पता था इस बारे में कि टिकट चाहिएगी इसकी, तो इसलिए अब जा रहे हैं एक बारी टिकट ले लेते हैं फिर दोबारा वापस जाएंगे. तो गाइज इस वाले किले से हमने एग्जिट कर दिया अभी, जिसमें अब ये आपको साथ आपको दिखाया था मैंने, जिसलिए मैं अंदर गया था. अभी मैं अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाया क्योंकि मैं अंदर और ज़्यादा अंदर गया नहीं, बिकॉज धूप काफ़ी ज़्यादा थी और टाइम इतना था नहीं कि अंदर जा पाते, तो इसलिए मैं अंदर नहीं गया बहुत अच्छे से. बस ऐसे ही ऊपर तक गया जहाँ तक आपको मैंने जितना दिखाया है, उसके बाद बहुत अंदर तक नहीं गया हूँ. और आप सोच रहे हैं कि उस वाले किले पर जाने की, अगर आप देख सकते हो वाला जो किला है वहाँ पर उधर की साइड में वो वाला, तो उधर जाने की सोच रहे हैं. अब देखते हैं उधर जाते हैं. अच्छा मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ गाइज़. अभी इस किले में जो हम गए थे आमिर का किला, आमिर का जो फोर्ट था, तो इसके सामने हमने स्कूटी पार्क की. दैट इज़ हियर, बैक साइड इज़ आमिर फोर्ट एंड द पार्किंग इज़ देयर, यू नो. सो ये पेड़ के पास यहाँ पे सामने, मतलब मेरे सामने आमिर का फोर्ट है और ये पीछे पार्किंग है. तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है गाइज़, मैंने स्कूटी पार्किंग में लगाई, तो ऑब्वियस बात है अगर कोई स्कूटी में नुकसान होता है तो उसका क्लेम यही करते हैं, क्योंकि पार्किंग में लगाने का मतलब ही यही है. तो आपको दिखा देता हूँ स्कूटी में क्या नुकसान आया. ये वाला जो पार्ट है इंडिकेटर, ये इंडिकेटर और ये यहाँ पे स्क्रैचेस, ठीक है. इसके लिए जब मैं यहाँ पे आया इनको मैंने क्लेम करने के लिए बोला कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं ली. सीधा एटीट्यूड दिखा रहे हैं गंदे वाला, तो यहाँ पे ज़्यादा तो हमने आर्ग्यू नहीं किया, बट इतना ज़रूर शेयर करूँगा अगर आप कभी भी इधर की साइड आ रहे हो इस वाले फोर्ट के पास, तो अपने अगर व्हीकल से आ रहे हो आप तो यहाँ कभी पार्क नहीं करना, क्योंकि ऑब्वियस बात है हम अगर अपना कोई भी व्हीकल पार्क करते हैं वो इस वजह से करते हैं जो सेफली रहे, लेकिन जब जिस चीज़ की सेफली होने के बावजूद भी वो चीज़ सेफ ना रहे और उसके बाद उस चीज़ की अपनी गलती एक्सेप्ट ना करें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. इससे अच्छा आप रोड पर लगा देना बेटर है. स्कूटी पार्किंग में लगाई मैंने वहाँ पे, तो वहाँ से स्कूटी को निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, अपने आप ही कुछ नहीं की पार्किंग में लगाया. यार ये अगर स्क्रैचेस लगी है तो इसका क्लेम कौन देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है इसकी, इन लोगों की ना कि मेरी. मैं अंदर गया था यहाँ नहीं खड़ा था मैं, ऊपर से एटीट्यूड दिखा रहे गंदे वाला. तो बस मैं इतना ही आपको शेयर करूँगा कि अगर आप कभी भी यहाँ इधर की साइड आ रहे हो तो कभी भी इस साइड यहाँ पार्क मत करना प्लीज़, आपकी व्हीकल में नुकसान होगा और यहाँ पे बहुत लोगों का नुकसान हो भी रहा है हर किसी के व्हीकल में. तो चलो फिर चलते हैं दूसरे फोर्ट पर और दिखाता हूँ आगे और क्या क्या होता है. थैंक यू.